हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको अजमेर से जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है, वहाँ उसकी जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही साथ अंदर का नज़ारा भी बताऊँगा। दोस्तों, ऐसे कई कमेंट आ रहे थे कि अजमेर से आने के लिए कौन कौन सी ट्रेनें स्टार्ट होगी और कौन कौन सी मतलब कहाँ कहाँ का रूट है अभी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि अभी अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेनें चल रही है और कहाँ से कहाँ तक की चल रही है। दोस्तों, ये जो हमारे मतलब मेरे ही मित्र हैं, मेरे भाई है, जो कि अभी वहाँ पे जॉब करते हैं अजमेर से रेलवे स्टेशन पे, तो उन्हों के जरिए मैंने अभी कॉल पे बात करी थी, तो उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली, उनके जरिए ये वीडियो बनवाया और साथ ही साथ उन्होंने कॉल पे भी बात करी। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे तो बता नहीं पाऊँगा, साथ ही साथ अभी जो वीडियो चलेगा उसके साथ में मैं कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने बात करी है वहाँ से मतलब कहाँ से कहाँ तक की ट्रेनें स्टार्ट हुई है, तो आप वो रिकॉर्डिंग सुनना पूरी अच्छे तरीके से, आपको मतलब आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये अभी ट्रेनें स्टार्ट है। और दोस्तों, जिन्होंने ये वीडियो बना करके भेजा हो, जिन्होंने ये कॉल पर मेरे से बात करी, उनका भी यूट्यूब चैनल है अजमेर शरीफ से रिलेटेड, उनकी चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी संजय ब्लॉगर के नाम से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और इसके बिल्कुल भी ना करना, वीडियो को देखने के बाद आगे से आगे शेयर जरूर करना होगा, चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, क्योंकि आप सभी को मालूम है मैं अजमेर शरीफ से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, बैक कैमरा से आपको वहाँ का नज़ारा बताता हूँ प्लेटफॉर्म को, साथ ही साथ बताता हूँ ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक की स्टार्ट है, वीडियो को आगे शेयर कर। हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा था कि अभी अजमेर से जो रेलवे स्टेशन है अभी वहीं हो गया? मैं अभी घर पे हूँ। अच्छा, तो ड्यूटी गए थे आज? हाँ, तो मैं ये हो रहा हूँ अभी कुछ कंफर्म है कि ट्रेन है कौन कौन सी आ रही है और कहाँ से कहाँ तक की है? अभी सिर्फ 3 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, उनका टाइमिंग क्या है, मतलब 3 गाड़ियाँ टाइमिंग और कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, ये अपने एक हफ्ते के अंदर 5 दिन है, जैसे कि जन शताब्दी। अच्छा, 5 दिन है जन शताब्दी? हफ्ते में 5 दिन है, तो उसका टाइम है सुबह 5:40। अच्छा, वो जो कि अजमेर से रवाना होती है। हाँ ठीक है, और वापस रिटर्न वही गाड़ी वापस रिटर्न आती है रात को 10 से 10:30 के बीच में। अच्छा, 10 से 10:30 रात के टाइम? हाँ, रात के टाइम वापस सुबह 5:40 जाती है। हाँ, और रात को 10 से 10:30 की वापस रिटर्न आ जाती है। अच्छा, जन शताब्दी। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक का रूट पकड़ती है, मतलब पूरा? ये अजमेर से दिल्ली। अजमेर से दिल्ली, और दूसरी ट्रेन? दूसरी ट्रेन है आश्रम। आश्रम ये कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट ट्रेन आती है अपने दिल्ली से। अच्छा, ये दिल्ली से आती है? हाँ, दिल्ली से आती है अहमदाबाद तक के लिए। अच्छा, अजमेर होते हुए निकलती है? अजमेर होते हुए निकलती है, अजमेर में वो अपने 10:20 के ऊपर एंट्री मार जाती है और 10:40 से वापस रवाना होती है, मतलब 20 से 25 मिनट का स्टॉप है अजमेर में। अच्छा, मतलब दोनों राजधानी है, दिल्ली वाली? नहीं, राजधानी नहीं है, ये आश्रम है ये। अच्छा, आश्रम है ये? आश्रम है। और तीसरी ट्रेन है राजधानी, जो कि अहमदाबाद से दिल्ली के लिए है, लेकिन उसका अजमेर में स्टॉप नहीं है। अच्छा, मतलब दो ट्रेनों का अजमेर में स्टॉप है, एक आश्रम का और एक राजधानी। राजधानी का यहाँ पे स्टॉप नहीं है। अच्छा, जन शताब्दी का है, जन शताब्दी है जो अजमेर से दिल्ली के लिए जाती है, और एक आश्रम है, जो दो ही गाड़ियाँ हैं जो अपने मतलब अजमेर से दिल्ली जा सकते हो आप। अच्छा, मतलब अभी जो ट्रेनें स्टार्ट होने वाली थी सभी जो अभी नहीं हुई है? नहीं, अभी अभी कोई कंफर्म नहीं है, मतलब कि नई गाड़ियाँ स्टार्ट होगी या नहीं होगी, और जो भी होगा कंफर्म होने का है तो अपने 15 अगस्त के बाद में होगा। अच्छा, अभी 15 अगस्त के बाद में भी कंफर्म नहीं होगा शायद? नहीं, 15 अगस्त तक, मतलब 15 अगस्त तक तो कंफर्म है कि कोई गाड़ी नहीं है, 15 अगस्त के बाद में शायद तक कोई गाड़ियाँ चल जाए। अच्छा, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। ठीक।